Now let's connect you to NIC Dehradun to present you a glimpse of the achievements of Sarthak Bharadwaj. उत्तराखंड का सार्थक भारद्वाज अपनी माँ को खाना पकाने और एक छोटा सा स्टॉल चलाने में मदद करता था। एक दिन टेलीविजन देखते हुए उसे पता चला कि स्टार प्लस नेशनल लेवल पर पहला जूनियर मास्टर शेफ स्वाद के उस्ताद कंपटीशन आयोजित करने जा रहा है। उसने अपना नाम दे दिया और विभिन्न लेवल्स पर स्वादिष्ट डिशेस बनाते हुए फाइनल तक पहुंच गया। और फिर 3 नवंबर सन 2013 को उसने पहला अमूल जूनियर मास्टर शेफ स्वाद के उस्ताद का प्रेस्टीजियस अवार्ड जीत लिया। इस समय वो देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी के केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 10 में पढ़ रहा है। आई नाउ इनवाइट सार्थक भारद्वाज फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून टू एड्रेस हिज क्वेश्चन टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। नमस्कार सर। नमस्ते। मेरा नाम सार्थक भारद्वाज है। मैं केंद्रीय विद्यालय भारतीय सैन्य अकादमी में 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और मैं देहरादून में रहता हूँ। मेरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम एक बहुत अनोखा कार्यक्रम है, लेकिन भारत के कई स्थानों पर बिजली नहीं पहुंच पाती है, तब यह कैसे संभव होगा? सार्थक, ये खाना पकाने का शौक कहाँ से आ गया? सर मम्मी से और सर कुकिंग चैनल्स वगैरह देखकर। अभी भी करते हो? सर जब स्कूल का छुट्टी होता है तब करता हूँ। नहीं तो हॉस्टल में भी तो तुम्हें कहते होंगे आज ये डिश बनाओ ये डिश बनाओ। यस सर। सर बहुत सारे फ्रेंड्स बोलते हैं अब तक तो कुछ नहीं खिलाया तूने। आ तुम्हारी सबसे प्रिय डिश कौन सी है, तुम्हें क्या सर, खाना है? केक है। केक? अच्छा। यस सर। सर और मम्मी के हाथ के आलू पूरी। अच्छा अच्छा। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी कौन सी डिश तुम्हारे और लोगों को पसंद आती है, कौन सी चीज है जिसमें तुम्हारे मस्ट? सर केक्स वगैरह बेकिंग में। अच्छा अच्छा। तो अभी तुम्हारे सारे साथी तुम्हें पूछते होंगे यार हमें भी कुछ खाना खाना पकाना सिखा दो। यस सर। पूछते हैं? यस सर। अच्छा। यस सर। तो आगे बन के क्या सोचा है, क्या बनना है? सर एक बहुत बड़ा शेफ बनना है और दुनिया में इंडिया का जो क्यूजीन है उसको और आगे बढ़ाना है। नहीं कभी तुम्हें ये लगता है कि न्यूट्रिशन पर तुम लेक्चर दे सकते हो अपने साथियों को? Yes, क्या sir. खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस उम्र में क्या खाना चाहिए, कौन कौन सी चीजें yes, शरीर में खाने के लिए जरूरत है, विद्यार्थियों को बताते हो कि yes, सबको जंक फूड खाने के लिए कह रहे हो? सर जंक फूड के लिए कभी कभार मना करता हूँ। करते हो? यस सर। देखिए तुमने सवाल पूछा कि आप डिजिटल इंडिया की बात कर रही हो लेकिन बहुत जगह पर बिजली नहीं है, आपकी बात सही है। मैंने अभी अभी 15 अगस्त को सुना होगा, मैंने लाल किले पर से एक बात कही थी कि हमारे देश में 18,000 गांव ऐसे हैं कि जहां बिजली नहीं है। तो मैंने हमारे सरकारी अधिकारियों की मीटिंग ली, 2-3 मीटिंग कर चुका हूं अब तक, और मैं उनके पीछे लगा हूं कि मुझे 1,000 दिन में नेक्स्ट 1,000 डे में 18,000 विलेजेज में बिजली पहुँचानी है। तो एक तो काम जो आप कह रहे हो वो पूरा करने की दिशा में प्रयास हो रहा है। दूसरा, अगर बिजली नहीं है तो आज डिजिटल एक्टिविटी रुकती नहीं है, सोलार सिस्टम से भी किया जा सकता है। और डिजिटल इंडिया हम सब अब उससे अछूते नहीं रह सकते हैं, वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। और हमें भी अगर गति बढ़ानी है, ट्रांसपेरेंसी लानी है, गुड गवर्नेंस की ओर जाना है तो ई गवर्नेंस का उपयोग करना है, और सामान्य मानवी को उसका हक उसकी हथेली में कैसे हो, मोबाइल फोन पर उसकी सारी बातें क्यों ना हो। एक प्रकार से एम्पावरमेंट मूवमेंट है डिजिटल इंडिया, ये कोई ये तामझाम नहीं है कि हमारे देश में इतने मोबाइल फोन है या हमारे देश में ये है, ये सामान्य नागरिक को एम्पावर करने वाला बड़ा मिशन है और इसलिए बिजली कभी रुकावट नहीं बनेगी। दूसरा मेरा एक ड्रीम है कि 2022 जब देश आज़ादी के 75 साल मनाए तब तक घरों में 24/7 बिजली होनी चाहिए। बिजली बीच बीच में चली जाती है ना, आपके दिल्ली में तो अनुभव है, जनरेटर रखना पड़ता है, तो उससे मुक्ति मिलनी चाहिए, इस पर मैं लगा हूँ। तो
आप जो चाहते हैं वो हो जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर।